नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि मोदी जी को कहीं साल हो गए अपना घर और परिवार छोड़े हुए हैं। लेकिन दोस्तों, आप सभी जानते हो कि मोदी जी ने पहले कई बार कहा कि उनके लिए तो 125 करोड़ देशवासी उनके लिए उनका घर और परिवार हैं। और आपको बता देना चाहते कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तब से आज के मोदी सरकार ने कहीं पुराने से पुराने मुद्दों को भी उखाड़ कर फेंक दिए हैं, जैसा कि कश्मीर से धारा 370 और 35 को। ऐसे में आप भी मानते हो कि मोदी है तो मुमकिन है, तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पत्नी जसोदा बेन के बारे में कि आखिरकार आज कहीं सालों बाद आज के प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पत्नी जसोदा बेन से मुलाकात की है। दोनों पति पत्नी की मुलाकात का आज हम आपको पहली बार पूरा का पूरा वीडियो लाइव दिखाने वाले हैं, इसीलिए आप वीडियो को आगे भगाए बिना आखिर तक ज़रूर देखते रहे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं। दोस्तों, आपको बता देना चाहते कि आज भी मोदी जी की जो पत्नी है, खुद के दम पर छोटा मोटा कार्य करके अपना गुजारा करती है, ना कि मोदी जी से किसी तरह की उम्मीद रखती है। आपको बता देना चाहते कि मोदी जी की पत्नी एक रिटायर्ड शिक्षिका है। बताया जाता है कि उनको वर्तमान में 14,000 रुपये पेंशन मिलती है, जिससे वो अपना घर और परिवार चलाती हैं। आपको बता देना चाहते कि मोदी जी की शादी जो गुजरात के एक छोटे से गांव में हुई, हालांकि यह शादी सिर्फ 3 साल चली और इन 3 सालों में बताया जाता है कि मोदी जी और उनकी पत्नी का जो साथ था वो सिर्फ 3 महीने के था। जब पहली बार मोदी जी की पत्नी ससुराल आई, तब मोदी जी ने कहा कि तुम इतनी छोटी उम्र में ससुराल क्यों आई, तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लो। उस समय मोदी जी की पत्नी की उम्र जी लमसम 16-17 साल थी और मोदी जी की जो 20-22 साल थी। और मोदी जी ने यह भी बताया था कि मैं पूरे देश के भ्रमण पर निकलूँगा, जहाँ पर मुझे अच्छा लगेगा मैं वहाँ पर रह सकता हूँ, तुम मेरे साथ क्या करोगी। बाद में मोदी जी अपना घर और परिवार छोड़कर संघ और आरएसएस में चले गए। उसके बाद मोदी जी 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने और साल 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री। मोदी जी के बारे में और भी अधिक जानकारी जानने के लिए अभी हमारे चैनल को लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।